नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी महिला में ब्रेस्ट एक अट्रैक्शन का फीचर होता है, बट यदि यही ब्रेस्ट का साइज़ ज़रूरत से अधिक बड़ा होता है तो वो परेशानी का कारण भी हो जाता है। ब्रेस्ट का साइज़ अधिक होने की वजह से कई सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे शोल्डर में पेन हो सकता है, चेस्ट पर भारीपन लगता है, कंधे और नेक में लगातार पेन बना रहता है, शोल्डर पर ब्रा स्ट्रिप्स के निशान बन जाते हैं, सांस लेने में कई लोगों को दिक्कत होती है इसकी वजह से, एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, ब्रेस्ट का अंडर सरफेस मॉइस्ट रहता है जिसकी वजह से वहाँ पर पिगमेंटेशन और ईचिंग कंटिन्यूसली बनी रहती है, प्रॉपर ड्रेस उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है या प्रॉपर ड्रेस जैसा वो पहनना चाहते हैं वो नहीं पहन पाते हैं, कई लोगों को सेक्सुअल फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है और सोशली भी बड़ा ब्रेस्ट अच्छा नहीं लगता, इजीली नोटिसेबल ब्रेस्ट कई लोगों को, कई फीमेल्स को अच्छा नहीं लगता। अब ब्रेस्ट के साइज़ को कम करने की अगर बात करें तो इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता, मतलब ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती कि जो कि ब्रेस्ट के साइज़ को कम कर दे। साइज़ कम करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है लाइपोसक्शन और दूसरा होता है सर्जिकल ब्रेस्ट रिडक्शन। लाइपोसक्शन मतलब ये होता है कि उसमें हम लोग फैट को निकालते हैं, जैसा चर्बी कम, मोटापे की चर्बी कम करने के लिए जो प्रोसीजर रहता है वही रहता है। इसमें हम लोग स्किन में एक छोटा सा होल करते हैं, उसके थ्रू कुछ सॉल्यूशन डालते हैं और जो भी फैट टिश्यू रहता है उसको निकाल देते हैं। इस प्रोसीजर से जो ब्रेस्ट का पेरीफेरी वाला पार्ट रहता है, मतलब कि जो सेंटर से अवे जो पार्ट रहता है वहाँ पर सिर्फ फैट रहता है, वो वाले पार्ट में ये ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसीजर रहती है। जो सेंटर पार्ट रहता है वहाँ पर ग्लैंड्स रहती हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये प्रोसीजर इफेक्टिव नहीं रहेगी। जो ब्रेस्ट का साइड में एक्सटेंशन रहता है एक्जिला का या ब्रा रोल्स का जो एरिया रहता है वहाँ पर भी लाइपोसक्शन से अधिक फायदा होता है। लाइपोसक्शन में हम लोग स्किन को नहीं निकालते हैं, सिर्फ जो फैट है उसको निकालते हैं, ग्लैंड को भी नहीं निकालते हैं। इस प्रोसीजर के बाद ऑब्वियसली कुछ स्किन में लूजनेस हो सकती है क्योंकि स्किन तो एक्स्ट्रा है जो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। उसमें इस लाइपोसक्शन में ब्रेस्ट रिडक्शन की तुलना में उतना रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं है जितना ब्रेस्ट रिडक्शन में पॉसिबल हो सकता है। कई लोगों में लाइपोसक्शन के बाद और लूजनेस बढ़ जाती है, स्पेशली जो पोस्ट प्रेगनेंसी अधिक उम्र की महिलाएँ रहती हैं उसमें लूजनेस और बढ़ जाती है। अगर लाइपोसक्शन करना है तो हम लोग मोस्टली अनमेरिड फीमेल्स में करते हैं क्योंकि उनमें स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रहती है, तो स्किन में जो श्रिंकेज होता है, श्रिंकिंग होता है जो सर्जरी के बाद, वो बेहतर रहता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें स्कार नहीं होता लाइपोसक्शन में, जबकि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में एक वर्टिकल स्कार आता है। अनमेरिड फीमेल्स प्रीफर करती हैं कि कोई स्कारलेस प्रोसीजर हो, भले ही से ब्रेस्ट का साइज़ में अंतर कम पड़े। लाइपोसक्शन उन लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है या उन लोगों में हम लोग करते हैं। यदि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा लूजनेस है, बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा है, तो लाइपोसेक्शन से बहुत ज़्यादा रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर उस तरह के लोगों में ब्रेस्ट रिडक्शन ही एक बेहतर ऑप्शन रहता है। ब्रेस्ट रिडक्शन जो प्रोसीजर रहता है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें हम लोग ब्रेस्ट के लोअर पार्ट और लेटरल पार्ट का जो ब्रेस्ट का टिश्यू है, फैट और ग्लैंड, उस दोनों को निकालते हैं, साथ में लूज स्किन भी निकालते हैं। हम लोग रिडक्शन इस तरह से करते हैं कि ब्रेस्ट का साइज़ भी कम हो जाए, ब्रेस्ट लिफ्ट भी हो जाए और उसका शेप भी प्रॉपर रहे। ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर में हम लोग स्किन निकालते हैं और उसे वापस जोड़ते हैं। यदि हम वापस जोड़ेंगे तो कुछ सूचस लगाना पड़ेगा, सूचस लगाएंगे तो कुछ स्कार आएगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्कार कम से कम बने उसके लिए हम प्रॉपर सूचर टेक्निक यूज़ करें, प्रॉपर थिन सबसे पतला से पतला धागा यूज़ करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लाइन आएगी जो कि इनिशियल कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक ज़्यादा दिखती है, ग्रेजुअली वो कुछ कम हो जाती है। उसके लिए हम लोग कुछ एंटी स्कार ऑइंटमेंट वगैरह भी देते हैं। जो स्कार रहता है वो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स से वर्टिकली नीचे जाता है फोल्ड, इन्फ्रा मेमोरी फोल्ड तक, और उसके आगे वो इन्वर्ट टी शेप का टोटल बन जाता है, कई बार जे शेप का भी स्कार रहता है। नॉर्मली खड़े होने पर ये स्कार का लोअर पार्ट दिखाई नहीं देता है। जो प्रोसीजर रहता है ब्रेस्ट रिडक्शन की, आमतौर पर 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर रहता है, बेहोश करके किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, आपको कुछ उस दौरान कुछ पता नहीं चलता है, कोई पेन वगैरह नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद भी आपको कोई इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एंटीबायोटिक और दर्द की दवाई अगले 5 से 7 दिन तक देते हैं। जो ड्रेसिंग रहती है वो अगले 5 दिन तक रहती है, उसके बाद आप अगले दिन से अपना रूटीन एक्टिविटी लगभग सारी कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ सपोर्टिंग ब्रा या स्पोर्ट्स ब्रा पहनना पड़ता है। ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर में हम लोग अपर पार्ट और मिडिल पार्ट ब्रेस्ट का जो रहता है उसको टच नहीं करते, मतलब वो वैसा ही रहता है, जिस वजह से फ्यूचर में अगर प्रेगनेंसी होती है या भविष्य में ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सेंसेशन वगैरह रहते हैं निप्पल के, वो भी इनिशियल फेज़ में अगर कुछ कम होते भी हैं तो अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में नियर नॉर्मल सेंसेशन आ जाते हैं।